नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल लोटस आयुर्वेदा इंडिया। जिस तरह गंदगी और इन्फेक्शन के कारण बालों में जू की समस्या होती है, उसी तरह गंदगी और कई कारणों की वजह से गुप्तांग में भी जू की समस्या होती है, जिसे प्यूबिक लाइस के नाम से जाना जाता है। प्यूबिक लाइस को क्रैप्स के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइस आपके शरीर से खून चूसते हैं। एक शोध के अनुसार सामने आया है कि पूरी दुनिया में फिलहाल 10% लोग इसका शिकार हैं। यह एक यौन संक्रमित बीमारी है और ये अधिकतर टीनएजर्स में पाई जाती है। अगर आपका पार्टनर इस समस्या से पीड़ित है तो उससे यौन संबंध बनाने से आपको भी ये समस्या हो सकती है। संक्रमित लोगों के कपड़े पहनने से भी ये समस्या हो सकती है। इंटरकोर्स के दौरान कॉन्डम का इस्तेमाल करने से प्यूबिक लाइस के संक्रमण से सुरक्षा नहीं मिलती, बल्कि इस दौरान जनांगों में रगड़ के कारण जो दूसरे व्यक्ति के जनांगों के बालों में रेंगकर पहुंच जाते हैं। जनांगों के आसपास बाल वाले हिस्से में तेज खुजली और ये खुजली रात में ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने सही समय पर इसका इलाज नहीं करवाया तो ये काफी बड़े हो जाते हैं, जिन्हें आप लेंस की मदद से देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनके कुछ लक्षण। प्यूबिक एरिया के स्थान पर जिसको ज्यादा खुजली हो रही है, वहाँ लाल निशान दिखने लगते हैं। इसके अलावा आपके अंतर्वस्त्र पर अगर भूरे निशान दिख रहे हैं, आप इस समस्या से पीड़ित हैं। इसके अलावा प्यूबिक हेयर के बीच छोटे सफेद बिंदु भी इनके लक्षण होते हैं। जनांगों के आसपास खुजली के कारण घाव होना, बार बार खुजली करने और जू के काटने के कारण वो हिस्सा नीला और ग्रे कलर का हो जाता है। वैसे तो ये जू कभी भी आपके सिर के बालों में नहीं जाते, लेकिन ये शरीर के अन्य हिस्सों जैसे बगलों, दाढ़ी और मूंछों में आसानी से फैल जाते हैं। कोई व्यक्ति प्यूबिक लाइस से संक्रमित है तो उससे चिपक कर ना बैठे और ना ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। प्यूबिक लाइस को जिंदा रहने के लिए खून की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इससे ग्रसित व्यक्ति के आसपास बिल्कुल भी न जाए। सभी कपड़े और बिस्तर को 60 डिग्री या अधिक तापमान के गर्म पानी में धोए। यदि आप अपने कपड़े को धो नहीं सकते हैं तो उनकी ड्राई क्लीनिंग कराए या प्लास्टिक बैग में 72 घंटे तक सील बंद कर रख दे। ऐसे ही अपने गद्दे और तकिया के साथ भी करें, वरना आप फिर से जू से संक्रमित हो सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जल्द से जल्द जवाब देने की। तो देखते रहिए लोटस आयुर्वेदा इंडिया।